Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Friends, in this video I am going to talk about a beautiful plant that blooms best from midsummer to rainy season. Aur friends, ye bahut hi khoobsurat ek permanent flowering plant hota hai aur bahut zyada low maintenance plant hai, least care flowering plant hai, to kisi bhi beginner ke liye to ye best plant hai. To friends, chaliye start karte hain. Sabse pehle hum jaan lete hain is plant ke bare mein. This plant is commonly called as crepe myrtle, pride of India, jarul. तो friends, जहाँ जहाँ पे ये plant जहाँ का native है वहाँ पे उसको उस नाम से बुलाया जाता है. और हम लोग इसे बहुत ज़्यादा जो commonly इसका नाम है सावनी, जो कि northern India में तो काफ़ी ज़्यादा famous है ये plant, तो हम लोग इसे सावनी के नाम से जानते हैं. और friends, ये जो plant है ये native है China, Indian subcontinent, Korea, Japan and Southeast Asia. And the nature of this plant is perennial. तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं और ऐसे ही आपके यहाँ ये सालों साल बने रहेंगे और ऐसे ही बहुत ही गॉर्जियस से आपको फ्लावर्स देंगे. और फ्रेंड्स, ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हो ये मैंने अभी रिसेंट में ही बाय किया है और मैंने आपको ये मॉनसून प्लांट शॉपिंग हॉल जो है मेरा उसमें इस प्लांट को शो भी किया था. ये वही है, ये ड्वार्फ सावनी का प्लांट है और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रही है. और फ्रेंड्स, इस प्लांट में आपको कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे. जैसे ये आपको ये डार्क पिंक जो होता है वो है, और इससे पहले आपने वाइट देखा. इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको इसमें लेवेंडर मिल जाएगा. अभी मैं आपको रेड दिखाऊंगी जो कि मेरे पास है, पिंक भी फ्रेंड्स मेरे पास है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, तो आपको जैसा भी कलर पसंद हो आप वैसा नर्सरी से ला कर लगा सकते हो. और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लांट है. और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा पिंक वाला सावनी का प्लांट है और इसमें देखिए फ्रेंड्स इस समय हैवली लोडेड है मेरा ये प्लांट्स विद ब्यूटीफुल से फ्लावर्स. ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स कितना गॉर्जियस इसके फ्लावर्स लग रहे हैं. ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, ये एक फ्लावरिंग परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और जहाँ कहीं पे भी फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसको ज़मीन पे लगाइए तो ये एज अ ट्री का लुक आप दे सकते हो. आप इसको टेरिस गार्डन में अपने इंक्लूड करिए, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से जो एक फ्लावरिंग प्लांट की कमी हमें जो समर में बेसिकली महसूस होती है, क्योंकि ये मिड समर से इसमें ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाती है और रेनी सीजन से लेकर पूरा अक्टूबर भर ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है. और फ्रेंड्स ये मेरा पिंक कलर का ड्वार्फ सावनी का प्लांट है और इसमें भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है. ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स. तो जैसा भी फ्रेंड्स आपको पसंद हो वैसा आप नर्सरी से लाकर इस प्लांट को लगा सकते हो, नहीं तो फ्रेंड्स ये कटिंग के थ्रू भी बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है. मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरीके की कटिंग लेनी है. फ्रेंड्स हमेशा वुडी ही कटिंग को आप ऑप्ट करिएगा जो थोड़ी सी पुरानी हो. तो जैसे कि मैं आपको अपने इस प्लांट में दिखा रही हूँ ऐसी, ये देखिए ये पुरानी इसकी ब्रांच है. ऐसे आप इतनी सी भी ले लोगे तो भी ये प्रोपोगेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से थ्रू कटिंग. ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे आपको पुरानी ही जो वुडी स्टेम होगी वो ऑप्ट करनी है. तो फ्रेंड्स चाहो तो नर्सरी से ले आओ, नहीं तो आप इस स्टेम के थ्रू या कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो. इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें सीड्स भी बनते हैं, जैसे ये जो फ्लावर्स जब शेड हो जाते हैं तो इसी में सीड्स बनना स्टार्ट हो जाता है. तो फ्रेंड्स मैंने आपको अब प्रोपोगेशन तो चलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया, अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की. तो फ्रेंड्स सनलाइट आप इसको जितना फुल सनलाइट में रखोगे उतना ये प्लांट ब्लूमिंग बहुत अच्छे से करेगा. और ये जो इतना खूबसूरत वाइब्रेंट कलर आप अपने प्लांट पर देख रहे हो जो फ्लावर्स में है वो उसको बनाए रखने में भी सनलाइट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आप इसको टेरेस गार्डन में इंक्लूड करिए जहाँ पे फुल सनलाइट मिल सके वहीं पे इसको आप लगाइएगा, या फिर अगर ग्राउंड में लगा रहे हो तो भी फ्रेंड्स फुल सनलाइट में ही लगाइएगा. और फ्रेंड्स अगर पॉट में लगा रहे हो तो एटलीस्ट 12 इंचज़ का पॉट आप ज़रूर ऑप्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बड़ा भी होता है. तो फ्रेंड्स इस वजह से बार बार आपको रिपोर्टिंग ना करनी पड़े, इसके लिए आप एक आइडियल साइज़ जो 12 इंचज़ का होता है वो ऑप्ट करिएगा. फिर लेटर ऑन जैसे ही आपके प्लांट का साइज बढ़ने लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो रिपोर्टिंग होगी वो आप कर दीजिएगा. और फ्रेंड्स अगर मैं फ्लावरिंग की इसकी बात करूं तो आपका अप्रैल से ही इसमें बर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर ये मई से लेकर पूरा अक्टूबर भर बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस से इसके फ्लावर्स लगते हैं फ्रेंड्स. और ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके ये जो फ्लावर्स आपको इतने जो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल से देखने
में लगते हैं सर फ्रेंड्स, ये आपके घर में बर्ड्स हो गया, हमिंग बर्ड्स हो गया, इसके साथ साथ जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको भी बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट करता है फ्रेंड्स। इस समय भी मेरे इस प्लांट में जो फ्लावर्स लगे हैं उसमें कई सारे पॉलिनेटर्स हैं जो वो बार बार आ जा रहे हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एक पॉलिनेटर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लॉन का जो पूरा माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, ये उड़ गए। तो ऐसे पॉलिनेटर्स भी आपके गार्डन में आते जाते रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन का ओवरऑल लुक लगेगा। तो फ्रेंड्स जितना हो सके इसको फुल सनलाइट में रखिए। और फ्रेंड्स वाटरिंग की मैं बात करूँ तो रेगुलरली आपको इसमें वाटरिंग करनी है समर सीज़न में स्पेशली। फिर बारिश जब होती है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि बारिश का पानी मिलता रहता है आपके प्लांट में। लेकिन चूंकि इस प्लांट को थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल पसंद है क्योंकि इतने गॉर्जियस से ये फ्लावर्स देता है और थोड़ी सी इस प्लांट की टेंडेंसी है कि ये हाइट में जाता है तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन सॉगी नहीं कर देना, पानी आप डालिए और जो एक्स्ट्रा हो ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए कि एक्स्ट्रा वाटर जो हो वो ड्रेन आउट हो जाए। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी, नहीं तो अगर आपने पानी इसमें कम डाला तो शाम तक जब आप आके अपने टेरिस गार्डन में इस प्लांट को देखोगे तो इसकी पत्तियां जो होंगी, जो फ्लावर होंगे वो लटक से जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा इसकी सॉइल मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग बस किसी लिहाज से नहीं करनी है और ड्रेनेज होल भी आपको चेक कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की। तो अनलाइक अदर प्लांट्स इसे भी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप सैंड ले लीजिए, 20% आप गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट जो अवेलेबल हो वो ले लीजिए और 10% आप नीम खली ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा इसका पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा, उसमें आप अपने इस प्लांट को लगा दीजिए। और फ्रेंड्स अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपको इसको हैवी फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 2 बार भी अगर आप इसको गोबर की खाद दे देते हो या वर्मी कंपोस्ट से हैवली फर्टिलाइज कर देते हो 2 बार, एक तो जैसे फ्रेंड्स मैं मॉनसून सीजन में करती हूँ और एक मैं फेब में करती हूँ, तो मैं सारी प्लांट्स में करती हूँ तो इसमें भी कर देती हूँ, तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सेल्फ सफिशियंट है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप 15 डेज में या वंस इन अ मंथ इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाह रहे हो एट द टाइम ऑफ ब्लूमिंग, जो जब इसका फ्लावरिंग का टाइम हो, तो आप मंथ में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने इस प्लांट को दे सकते हो ताकि ये आपके प्लांट में जो भी फ्लावरिंग हो रही है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सके। नहीं तो फ्रेंड्स इसकी बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइजर को लेकर रिक्वायरमेंट नहीं है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोपोगेशन का बता ही दिया है कि बहुत ही आसानी से कटिंग और सीड्स के थ्रू ये प्रोपोगेट हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट अटैक वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है किसी भी बिगनर के लिए जिसे फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्रेंड्स वो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चूंकि ये प्लांट थोड़ा सा हाइट आता है तो आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग आपको तब करनी है जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो रही हो, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, विंटर इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है तो उस समय आपको अपने प्लांट में पूरी तरीके से आपका प्लांट एक लकड़ी की तरीके से दिखेगा, उसमें पूरी लीव्स शेड हो जाएंगी क्योंकि विंटर इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है या फिर आप इसे स्लीपिंग पीरियड भी कह सकते हो। तो उस समय जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, तो इसमें परेशान मत होइएगा। जैसे ही अर्ली स्प्रिंग आएगा आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएंगी, आपको न्यू लीव्स दिखना शुरू हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप इसको मान सकते हो ये इस प्लांट का नेचर है कि ये विंटर्स में पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को गिरा देता है, सिर्फ आपको एक लकड़ी की तरीके से अपना प्लांट दिखेगा और स्प्रिंग आते आते फिर से इसमें जो न्यू ग्रोथ होगी वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक लो मेंटेनेंस वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्रेंड्स किसी भी बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये गॉर्जियस है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इसे अपने गार्डन में इंक्लूड नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत आपका जो गार्डन का ओवरऑल लुक लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल सी जो हमिंग बर्ड्स होती वो आपके गार्डन में आएंगी, बीज आएंगी, तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो आपके गार्डन का लुक जो होगा वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो जरूर लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग फ्रेंड्स प्लीज बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा।
और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगता है या आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।